नेक्स्ट टॉपिक, एक होता है हमारे पास सीरियल लैडर और एक होता है हमारे पास पैरेलल लैडर। हाफ एडर और पैरेलल लैडर से कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड है तरह नहीं है। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास सीरियल एडर। सीरियल एडर डायग्राम बना, एडर लिया, कौन सा एडर, एडर और फुल एडर। एक इनपुट सी, आउटपुट का सम और यहाँ पर क्या होती है कैरी, राइट। तो दो सी हो गए तो सी आउट, सी इन से डिनोट, यही होता है आउट। ये नॉर्मल मैंने का ब्लॉक डायग्राम। अब इसमें सीरियल एडर एंटर होता है, याद है जैसे जब रजिस्टर पढ़ा था, मैं रुक गई थी क्योंकि रजिस्टर से रिलेटेड। इस शिफ्ट बिट क्या होती है, एंट्री होती है, राइट। एक एक करके बिट क्या होती है। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ए जाएगा ए, तो ए को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। एक जैसे मान लो है वन वन, तो वन पहले वन जाएगा अंदर, जीरो जाएगा अंदर, वन जाएगा अंदर, फिर वन जाएगा, इस तरह से वन बाय वन करके एंट्री। सिमिलरली हम के लिए भी ले लें सेम, तो बी के लिए क्या हो जाएगा पास वन और नॉट, राइट। यहाँ पे ये डेटा इस कर जाता है वन, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट। अब इसके बाद सी का डेटा कैसे एंटर करता है, उसके बनाना काम कर लेना जाने का वो आउट से कनेक्ट, सी इन से कनेक्ट होता है, टॉक दे। अब देखो करने क्या चेंज, जो तुम्हारी सम है हमारी है और जो कैरी है और जो यहाँ से है जा रहा है। पहले एक बार ये बना, यहाँ पे डेट पर है तो वन तरह जो भी कैरी आएगा ये से, अगर डी वन है तो थर्ड इनपुट होगी वन होगी। यहाँ पे बी ए कैसे करा हुआ है, से एर अकॉर्डिंग एर तो भी तुम डेटा दे रहे पैरेलली आ रहे हैं होगा हमारे। पैरेलल है वो क्या होता है, ठीक है हो गया। अब इसी तरह अगर पैरेलल ऐड करेंगे तो दो इनपुट हैं, ठीक थ्री चार बिट एंड आ रही हूँ मैं। एडर और हाफ एडर पढ़ा था तो हमने कहा था जीरो वन, बट अगर मुझे चार बिट एंड वन 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 चार बिट की एडर के लिए पैरेलल एडर चार बिट और फिर अगर चार बिट है तो आएगा चार बिट ही तीसरी कैरी की।
पैरेलल का वो था फोर एडर का, ज्यादा डिटेल में नहीं चला। एक बार बना लो। बाद में तो क्या डिफरेंस, सीरियल एडर क्या यूज होता है, शिफ्ट रजिस्टर एडर में हम क्या है रजिस्टर। और अगर तुम्हारे पास पैरेलल एडर नॉर्मल रजिस्टर हुआ है डेटा को ऐड करने, इसमें क्या है सिर्फ एक ही एडर चल, और इसमें क्या है ज्यादा नंबर ऑफ चाहिए, है तो बेसिकली बिट्स हैं, 4 बिट है तो 4 बिट का फुल एडर चाहिए ना दिया, बट अगर 4 बिट को ऐड करवाना है तो 4 ही नंबर ऑफ फुल। क्या है हमारे पास सिक्वेंस है, आउटपुट आएगी यही आउटपुट आएगी, और ये क्या है हमारे पास कॉम्बिनेशन सर्किट, एक करता है फास्ट काम करता है, इसमें ज्यादा बिट्स होंगे ज्यादा तुम्हारा टाइम लगेगा, और इसमें जितने ज्यादा बिटों टाइम मतलब टाइम बिट्स पे डिपेंड नहीं, टाइम नॉट एंड पर और टाइम डिपेंड, ज्यादा बिट्स हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा। दिया अब एक चार तो 4 बिट 4 फ्लिप फ्लॉप हर एक फ्लिप आएगा S3 आएगा C9 वापस इट, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस, एक ही में बना दिया और ये चार अलग अलग कैसे भी बना सकते हो, दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इट पैरेलल एडर। गॉट इट, मार्क्स आउट होता है जैसे 8 1 है 8 एक आउटपुट 1:1 एक इन 8 तुम्हारा आउटपुट हो, इसमें अगर 3 लाइन होती इसमें भी S2 ठीक है, बस यही है। जैसे मार्क्स हमारा कैसे कैटेगरी होता था 16:1 का होता था, तरह डी 1:2 1:16 का। गॉट इट, पहले बताओ यहाँ कोई डाउट। अब मैं डिजाइन कर का -2 का डीमक जाएगी, 4 का है तो 1 और आउटपुट क्या होगी राइट। अब इसके बाद क्या बना बनाए, 2 इन लाइन है तो राइट S1 4 आउट 4 आउट I2 I3 सेम चीज है जैसे था, 2 इनपुट है तो कितने
दो वन, फर्स्ट वाले केस में वाई का, बाकी जीरो में वाई वन आउट ऑर्डर पड़ा था ना, थर्ड वाले केस का बाकी। अब इसका अगर हम आई नॉट आर राइट वाई वन के काम एस वन आर वाई टू के एस वन एस नॉट आर वाई थ्री, तो क्या होगा हम